उसका डीजल, उसके ऑयल का ना डीजल करके यूज होता था। यस यस, और तंदूर में भी यूज होता था। आइए ना आप अडॉप्टिंग। वैसे मैं, वैसे ये हफ्ते में तीन बार मैं गार्डनिंग करता हूँ, तो आप बताओ। सर एक बार सर पानी डालना है एक, पहले मिट्टी का करिए सर, मिट्टी का। ओके थैंक यू सर। सर थोड़ा आगे आके करिए यहाँ पे। हाँ सर, हाँ ये ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, बराबर है, आप पालन करता है, आप आइए। आप यहाँ पर आए एंड आपने अपने हाथों से गार्डनिंग किया जी, थोड़ा सा अगर बता सके कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर आने का? सर एक तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ड्राइव इन लोगों ने चालू किया है, इन लोगों ने जो शुरू किया है, बहुत बेहतरीन ड्राइव है। अडॉप्ट पिट, फॉलन पिट, मतलब साइक्लोन के दौरान बहुत सारी इस इलाके में, वैसे मुंबई में बहुत सारे पेड़ गिरे हुए थे, तो वहाँ जहाँ गिर चुके हैं पेड़ उन लोगों ने अप्रूव किया और नया एक पेड़ डाला हुआ है। एंड देखो इन्वायरमेंट के लिए अगर हम कुछ कर सकते तो हमेशा अच्छा है, और ये जो ड्राइव है प्लांट ट्री ड्राइव, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, और इनको एक्चुअली मैं शुक्रगुजार धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिकॉज देव डन अ ग्रेट जॉब इन इट, और मुझे यहाँ बुलाया प्लांटिंग के लिए। वैसे मैं हफ्ते में तीन बार गार्डनिंग करता हूँ घर पे, तो बहुत सारे पेड़ों का नाम और छोटे छोटे झाड़ का नाम मैं जानता हूँ, सिवाय ये अब पता चला कि ये कौन सा पेड़ है। ये करंज है, करंज, करंज इसको आयुर्वेदिक बेस है,
करंज बदल सांगा थोड़ा पीछे 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 आज कैसे हुए करंज करके किस पैसे की पड़ती है इंडियन मराठी जो देसी मराठी रहते हैं जिनके चांसेस बहुत कम है और इंडियन मराठी इसलिए ज़्यादा गिरने के चांसेस कम है बिल्कुल 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 तो अच्छा लगा मुझे यहाँ आके ये किया बहुत अच्छा लगा मुझे अनुषा जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव को लेकर जिस तरह से आपका एंड विश्वास जी का हाथ है लोग आते हैं सपोर्ट करते हैं इट फील्स वेरी नाइस टू हैव डिनो भैया मतलब इन्होंने क्वेश्चन पूछने के पहले हाँ बोला वो सबसे स्वीटेस्ट थिंग है मतलब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब इनके जैसे मार्गदर्शन करने वाले लोग आके लोगों को बोलते हैं कि प्लीज़ प्लांट ट्रीज आई प्लांट देम एवरी सेकेंड डे सो मिट्टी पे हाथ रखना ना शान के खिलाफ नहीं होता वहीं से तो शुरू हुए ना वहीं पे ख़त्म होंगे तो फ़र्क तो पड़ता है व्हेन वी कीप द अर्थ ग्रीन बिकॉज दैट इज़ द प्लेस वेयर वी लिव व्हेन वी आर प्लांटिंग अ ट्री वी आर नॉट प्लांटिंग अ ट्री वी आर प्लांटिंग अ सीड्स फॉर आवर ओन फ्यूचर सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विश्वास जी बिकॉज when the corporation comes out and starts planting trees with us then I think it motivates a lot of people important part ye hai ki apart from the fact that celebrities like him have come to be a part of it he's always been doing things for fitness and this is one extra way to keep us environment ke liye haan ji par ye jab saath aate hain aur inko saath leke aate hain to farak ye padta hai ki we have a whole load of citizens who have come forward to take care of the tree that has been planted एंड दैट आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस नहीं तो ट्री की जो प्लांटेशन की मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम होती है हम लगाते हैं कुछ होते हैं घर जाते हैं और अगले दिन उस झाड़ का कोई ठिकाना ही नहीं होता एक हफ्ते बाद नहीं होता एक महीने बाद नहीं होता पर यहाँ पे वहीं के लोकल बंदे हैं जो आके देखते हैं उसको पूछते हैं भाई तो ठीक है ना तो ट्री का ठीक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है सो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विश्वास जी फॉर दिस इनिशिएटिव एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू डीनो फॉर बीइंग हियर फॉर दिस थैंक यू डीनो जी फिटनेस पर आप बहुत ही ध्यान रखते हैं जी गार्डनिंग आप आए दिन अपने घर में गार्डन में करते रहते हैं बिल्कुल आई थिंक फावड़ा चलाना अब आपके लिए तो बहुत कॉमन हो गया होगा जैसे हमने भी यहाँ पर भी सर ये अगर कोई इस तरह का काम करेंगे गार्डनिंग खासतौर पर और वो लेकर मिट्टी में आप करेंगे तो वो भी एक फिटनेस है कह रहा हूँ मतलब जैसे खेती में आप देखोगे सारे फिट लोग हैं उनका कोई दिक्कत नहीं होती उनकी कोई बीमारी भी नहीं होती है मतलब यू लिव वेल लिव हैप्पी सबसे इम्पोर्टेंट और ये जो एनवायरनमेंट ड्राइव है इस दुनिया के लिए इस देश के लिए इस शहर के लिए बहुत ही अच्छा आज 1 month एनिवर्सरी है सर आज 29 June है आप सभी को पता ही है 29 May को हेमा मालिनी मैडम से के हाथ से हमने ये कैंपेन शुरू किया था और हर हफ्ते में 3 दिन मंगलवार गुरुवार और शनिवार ये हम करते आए हैं एंड कंटिन्यूसली मैं थैंक यू रेसिडेंट का कहना चाहूँगा कि वो सामने से अडॉप्ट करने के लिए आ रहे हैं हम सेलिब्रिटी जो रेसिडेंट यहाँ के हैं उनको बुलाते हैं बट दैट इज़ ओनली फॉर कि इन्फ्लुएंस हो के एनवायरमेंट के मैसेज आए बट मैं थैंक्स इनका कहूँगा जो रेसिडेंट आज के इन्होंने अडॉप्ट करके लिया है थैंक्स टू सुधा मैडम ऑल्सो ये कैंपेन का कंसेप्ट एक मिनट में मैं बताऊँगा कि साइक्लोन के बाद जो डिवेस्टेटिव नेचर हमने देखा तो उसको कैसे रिकवर या कंपनसेट कर सकते हैं ये जो हमने सोचा तो उस टाइम में अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पीट बी अ गार्डियन ऑफ ग्रीन्स ये थीम लेके मेगा दैट इज मेक अर्थ ग्रीन अगेन अनुषा मैम एंड देन वृक्ष नर्सरी शान जी है इनके एसोसिएशन के साथ में हमने लोकल काउंसिलर और लोकल रेसिडेंट्स को कंसेप्ट बहुत सीधा सिंपल है कि हम एज एन अथॉरिटी किसी पेड़ को लगाने के बाद उसका केयर करने के लिए आ सकते हैं आते भी है बट वो हो सकता है कि रैंडमली 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद कभी 20 दिन के बाद तो इससे अच्छा है कि जो वहाँ के रेसिडेंट होते हैं पब्लिक गवर्नेंस जो हम चाहते हैं वो यही है गवर्नेंस जो सामने से जो आर्टिकल 51G की भी बात करेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात है खाली आर्टिकल 21 को याद करने से अच्छा है कि आर्टिकल 51G की बात करेंगे तो पब्लिक पार्टिसिपेशन जितना होगा उतना कोई भी सरकारी कैंपेन या कोई भी सरकार की स्कीम योजना सक्सेसफुल हो सकती है तो उसमें हमको रेसिडेंट का सपोर्ट मिला है लोकल काउंसिल्स का सपोर्ट मिला है बाकी तो आप सब है मीडिया जो एनवायरनमेंट के बारे में मैसेज ये प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं तो आज बराबर 1 महीना हो गया देन आई रियली थैंकफुल टू डिनो सर ही इज़ इंस्पायरिंग फॉर अस फिटनेस
तो ये फिटनेस का जैसे उन्होंने बताया भाई, ये भी एक फिटनेस का प्रोग्राम ही बोल सकते हैं कि ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ज़्यादा अपने यहाँ पे पूरा हाइजीनिक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। तो मैं पर्सनली आपका थैंक यू सर धन्यवाद बोलूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सुधा मैडम को बोलूँगा। अगर मेन रोल तो आपका ही है जो सबको एकत्रित करके और इतना ये मोटिवेट और ऐसे ही चलता रहे। बाकी आपने जो बताया, आपने कहा एक्चुअली आज अगर देखा जाए तो हमने कुछ ऑक्सीजन डोनेट किया, ये जो असली नेचुरल ऑक्सीजन है हमने आज ऑक्सीजन डोनेट किया, एक अच्छी बात है। ये कैंपेन की और वही बात है कि नेटिव प्लांट को ही हम लगा रहे हैं, उस जगह पे कौन से पेड़ थे इसके तो डिटेल्स हमारे पास है, बट स्टिल हमने ये कोशिश की है कि नेटिव देशी प्लांट लगाएंगे। अभी आज जैसे करंज लगाया, इसको तो आयुर्वेदा का बेस ही है, काफ़ी अलग अलग इसके स्किन डिसीज के लिए बहुत ही यूज होता है, इसके पत्ते से लेके इसका फाइबर से लेके सब कुछ लेते हैं। बचपन में हम इसी पेड़ पे मराठी में इसको सुर पारंभ्या बोलते हैं, मतलब झटक के खेलना है, तो खेला हूँ मैं इस पे, ऐसे पेड़ पे। तो वही एक सैंक्टिटी, वही एक लीगेसी हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीएमसी अलॉन्ग विथ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। नाउ तुलसी का पौधा है तो वो डेडी सर प्लीज। क्या बात है, कौन सा जा रहे तुलसी? सो आपको हमारे तरफ। अच्छा मैं जो अडॉप्टी है। Well done. Thank you. मैं आपका थैंक यू है कि हमारे बच्चे यहाँ के स्विंग करेंगे। प्लीज द बीएमसी आइए ना, आपको झाड़ी आप लोग सर आइए ना, शांत प्रीतम पल्लवी बैक टू योर नर्सरी जाना। ओके मीडिया भी हमारे पास। आप में से किसको झाड़ तुलसी चाहिए प्लीज आ जाओ, मास्क लगा मास्क ले लीजिए, कोई भी आ जा भाई, सब उनको दीजिए। स्टाफ के साथ एक आजी आजी आजा अपना स्टाफ है सगे से निकल गया। हमारा स्टाफ आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। यस सर थैंक यू। थैंक यू योर एवरीबॉडी हियर। यस थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। यस मैम।
Thank you. Let's speak to you soon.